मैम चलो हम फाइनली एक बार एक्सरसाइज भी देख ले, ओके? यस मैम, यस मैम। ये सारे वर्ड मीनिंग जो हमारे टेक्स्ट बुक में है 15 है, ये सारे आपको नोटबुक में लिखने, ओके? यस मैम, यस मैम। और ये न्यू वर्ड्स है, फर्स्ट है स्लीपिंग। क्या? हम जो न्यू वर्ड्स लिखते हैं हर बार लेसन में, ये वही है। स्लीथरिंग, स्लीथरिंग का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको। स्लीथरिंग मतलब, यस जय बोलिए, स्लीथरिंग का स्पेलिंग क्या होता है? SLITHERING, स्लीथरिंग यानी मूवमेंट ऑफ स्नेक, राइट? फिर है इंटेंशन, ये सब आपको टेक्स्ट बुक आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके? फिर है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा। फिर है विसिनिटी, विसिनिटी न्यू वर्ड है, यस ये न्यू वर्ड्स है। मैं आपको पीडीएफ तो भेज नहीं पा रही, ठीक है? तो आप वहां से लिख लीजिएगा होमवर्क में। फिर है विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, विसिनिटी मतलब द एरिया अराउंड, आसपास का इलाका। फिर ड्रेडेड, ड्रेडेड यानी डरा हुआ, तो वो है। फिर श्रिक्ड, श्रिक्ड यानी क्या है, श्रिक्ड का मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, ओके? फिर फ्लाइट फ्रॉम द बालकनी, फिर है एज, एज मतलब जो रूफ की धार होती है, कॉर्नर, उसे एज कहते हैं। फिर है हेज, अभी एज और हेज में डिफरेंस क्या है, एज यानी जो कॉर्नर होता है रूफ का उसे एज कहते हैं, और हेज किसे कहते हैं, जो बहुत सारे झाड़ियां होती है गार्डन में रो में खड़ी हुई उसे हेज कहते हैं। फिर एक्साइटेडली, एक्साइटेडली यानी, एक्साइटेडली का मतलब क्या होता है, उत्साहित। और फिर लॉन्ग, लॉन्ग यानी विश, यानी मेरा बहुत ही बहुत लंबे टाइम से मैं इंतजार कर रही हूँ, इस तरीके से। तो ये सारे न्यू वर्ड्स एंड जो वर्ड मीनिंग है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, ओके? अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज A1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज A1। अभी आंसर्स आपको करने, ओके? एक्सरसाइज A1, चूज द करेक्ट आंसर। The egg on the roof of the patio was that of, किसका एक था जो पेटियो के ऊपर था वो? पीहन। Yes, वो एक था पीहन का, ठीक है? Next, how long did it take for the eggs to hatch? Eggs को hatch करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 weeks. 3 weeks. Yes, very good. यहाँ पे 3 weeks ऑप्शन में दिया, इसीलिए 3 weeks लिखने। अगर डेज होते तो कितने डेज लगते? 23 days. 21 है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Choose another suitable title for this story. अभी ये स्टोरी हमारा टाइटल क्या है? A family on the roof. लेकिन अभी ये स्टोरी हमने पूरी पढ़ ली, कैसे किसके ऊपर रिलेटेड है, तो अभी कुछ और टाइटल देना है, तो इस तीनों में से कौन सा चाहिए चलेगा? द पीहन एंड द कैट, द पीहन एंड द चिकन एंड यस द पीहन एंड हर चिक्स, ये आंसर सही है। सब अपनी टेक्स्ट बुक में टिक करने जा रहे हो ना? यस यस। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ू, बाद में आप आंसर दीजिएगा। द एग वॉज फर्स्ट स्पॉटेड बाय द मदर, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। Yes, true. A snake's egg is bigger than that of the peahen. Snake का अंडा peahen से बड़ा होता है। ये सही है कि गलत है? गलत। Yes, answer is false.
द मदर पीहन डिड नॉट केयर अबाउट द वेदर. ये सही है कि गलत है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स. किसने फॉल्स बोला पहले तो ये बताइए. यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा. क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि मम्मी हर बार अपने बच्चों के लिए कोई भी अगर वेदर चल रहा हो लेकिन अपने बच्चों का ध्यान हमेशा ही रखती है. ठीक है. अ स्नेक एट वन ऑफ द एग्स. ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स. यस त्रिशा, वेरी गुड. आंसर इज फॉल्स. This story is about mother-child relationship. True. Yes, the answer true है. Okay? ये सारी एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में भी लिखनी है. ओके ओके यस.